नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राप्रपा के नया नेतृत्व खातिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री आ 141 केंद्रीय सदस्य खातिर मतदान हो रहा। नेता द्वय थापा लिंगदेन बीच प्रतिस्पर्धा। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज प्रदेश कार्य समिति चयन खातिर निर्वाचन हो रहा। मतदाता प्रदेश कार्य समिति प्रदेश मुताबिक फरक होते। आज देशभर के मौसम बदली रहला से के साथ हल्का वर्षा के संभावना रहल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुमान, ठंडी से बचेला सतर्कता अपनावला अनुरोध। कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रोन के बारे में अनावश्यक हल्ला फैलावल कहत WHO द्वारा चिंता व्यक्त। ऐसे आम सर्वसाधारण के आतंकित कैल दावी। आ शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल के तेसर का चरण अंतर्गत आज दुगो खेल हो रहा। संकटा मनांग बीच के खेल जारी। अब पूरा समाचार। राप्रपा में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 141 जने केंद्रीय सदस्य के खातिर आज निर्वाचन हो रहा बा। अध्यक्ष के खातिर नेता द्वय कमल थापा राजेंद्र लिंगदिंग बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। उपाध्यक्ष में 9 जना, महामंत्री में 6 जना और केंद्रीय सदस्य खातिर 276 जने उम्मीदवारी देले बा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और केंद्रीय सदस्य करके जम्मा 149 जने निर्वाचित हो कि सवेरे से ही मतदान शुरू भइल केंद्रीय निर्वाचन समिति जनाओले बा। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज प्रदेश 2 बाहेक के 6 गो प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति चयन खातिर मतदान हो रहा बा। संघीय संरचना मुताबिक कांग्रेस पहिलका बेर प्रादेशिक अधिवेशन कर रहल बाटे। प्रदेश अधिवेशन से सभापति, 2 गो उपसभापति, 2 गो महामंत्री और 1 जने महिला सहित 3 जने सहमहामंत्री के निर्वाचन कर रहल बा। मतदाता और प्रदेश कार्य समिति प्रदेश मुताबिक फरक फरक होके प्रदेश अधिवेशन में 165 प्रतिनिधि सभा और 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित भइल महाधिवेशन और प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि मतदान करे। केंद्रीय निर्वाचन समिति के मुताबिक आज प्रदेश 2 में उम्मीदवारी दर्ता मात्र भइल बाटे। अन्य 6 गो प्रदेश में आज नेतृत्व चयन के खातिर मतदान होके भइल बा। ये बीच नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 प्रथम अधिवेशन अंतर्गत आज होके के मतदान प्रक्रिया प्रभावित भइल बा। प्रदेश 1 निर्वाचन समिति के मुताबिक मतपत्र में उम्मीदवार के नाम छुटला बाद मतदान प्रभावित भइल हवे। प्रदेश निर्वाचन अंतर्गत के मतपत्र में इलाम के 3 गो उम्मीदवार के मतपत्र में नाम छुटल कहत प्रदेश निर्वाचन समिति के अधिकृत भरत थापा जानकारी देने। उम्मीदवार के नाम ही छुटला के बाद मतदान कार्य निर्धारित समय से कुछ लेट भइल बाटे। मतपत्र में इलाम से श्याम खड़गे, शांति कला राय, तमांग और जीवन नेपाली के नाम छुटल हुए। मतपत्र में छुटल नाम समावेश करके निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइल बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवन के यातायात सेवा के हब के रूप में विकास करे के बतौले बानी। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय से शुरुआत कैल सवारी दर्ता और सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण कार्यक्रम आज चितवन में शुभारंभ करत अध्यक्ष दाहाल। जिलावासी अब सहजे सेवा पावे के बताने। जिलावासी यातायात से संबंधित काम के खातिर दूर जाए ना पड़े के जोर देहत। अब इस क्षेत्र के नेपाल के ही बड़का यातायात सेवा के हब बनाओ के भी बताने। भरतपुर महानगरपालिका के प्रमुख रेणु दाहाल यातायात कार्यालय के खातिर जगह उपलब्ध कराओ और संरचना निर्माण के खातिर आवश्यक बजट व्यवस्था के खातिर भी पहल कर देवे खातिर आग्रह कैले। वहाँ के अपना महानगर प्रमुख भैला से ही कैल पहल आज सार्थक भइल बताने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। हिमाली जिला मनांग में बीतल विफे से अविरल हिमपात फैल बाटे। लगातार के हिमपात के कारण मनांग के डाड़ाकाड़ा समेत उजर भइल बाटे। ऊपर का मनांग और नारपा भूमि के बस्ती में विफे से हिमपात हो रहा स्थानीय बतौले बाटे। मनांग डिसियांग गाँव पालिका के हुमदेश से ऊपर का भाग में ही उपरल बाटे। जिला प्रशासन कार्यालय मनांग उच्च पहाड़ी और हिमाली भूभाग में हिमपात के कारण तापक्रम में गिरावट आके ठंडी बढ़ सके के भइला से सतर्कता अपना खातिर आग्रह कैल प्रमुख जिला अधिकारी रविन्द्र आचार्य जानकारी देने। ही उपरला के बाद निचलका क्षेत्र में भी ठंडी बढ़ल बाटे। मनांग के ढिकुर पोखरी से ऊपर का क्षेत्र में हिमपात हो रहा प्रजी आचार्य जानकारी देने। मनांग के ऊपर का क्षेत्र में हिमपात फैला से पर्यटक के गंतव्य तरफ ना जाए खातिर भी कहल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना। मनांग के प्रमुख लेखनाथ गौतम
जानकारी रहने। आज देशभर के मौसम बदली रहे के साथ प्रदेश एक दो आ बागमती प्रदेश में आंशिक से सामान्य बदली रह के वर्षा के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। महाशाखा प्रदेश एक और दू और बागमती प्रदेश के उच्च पहाड़ी और हिमाली भूभाग सब में थोड़े स्थान में हल्का हिमपात के संभावना रहल और इस प्रदेश के एक दो स्थान सब में हल्का वर्षा के संभावना रहल स्पष्ट कैले बा। आवेला सोमवार से क्रमशः ई प्रणाली के प्रभाव नेपाल में कम होते जाए के महाशाखा जनौले बाटे। महाशाखा के मुताबिक इतवार से फिर दोसर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव देश में पड़ सके के संभावना देखल गई बा। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली के प्रभाव से इतवार के देशभर के देश के सुदूर पश्चिम कर्णाली लुम्बिनी और गंडकी प्रदेश में सामान्य से पूर्णतः बदली होके कुछ स्थान सब में हल्का से मध्यम वर्षा और ऊ प्रदेश सबके उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभाग सब में हल्का से मध्यम हिमपात के संभावना रहल बा। मौसमी प्रणाली मुताबिक कारण मौसमी प्रणाली सबके कारण पर्वतारोहण हवाई यातायात लगायत दैनिक जनजीवन में समेत असर पड़े के देखला से ठंडी से बचे खातिर और हिमपात से बचे के खातिर प्रभाव से जोगे के खातिर आवश्यक सतर्कता अपनावे खातिर अनुरोध कैल गई बा। अब आर्थिक समाचार। इलाम में निर्माणाधीन फाल्गुनंद सुकिलुम्बा विमानस्थल के धावन मार्ग पिच कर के काम पूरा भैया पर भी उड़ान असमंजस बनल बा। बीतल बैसाख से ही दोसरका बेर परीक्षण कर के हिसाब से पिच काम करवैला पर भी अभी तक ले इलाम में जहाज उड़े नहीं के सकल। इलाम के सुकिलुम्बा विमानस्थल के धावन मार्ग में पिच निर्माण कार्य सम्पन्न भैया संगे इलाम से जहाज उड़े के सपना पूरा होखे में जिलावासी खुशी रहे। 670 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई भइल विमानस्थल के धावन मार्ग में पिच निर्माण कार्य सम्पन्न भइला पर भी अभी तक ले उड़ान परीक्षण ना भइला से जिलावासी निराश भइल बा। जिला के ही गौरवपूर्ण आयोजन के रूप में मानल गइल सुकिलुम्बा विमानस्थल में जहाज ना उड़ला से आयोजना अलपत्र पड़े की कह के चिंता वहाँ के जिलावासी के होखे लागल बा। पूर्वाधारहरू चाहिँ धेरै निर्माण भइसकेका छ र अस्थायी रूपमा चाहिँ चलाउने भन्ने कुरा थियो। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ चुनावी चाहिँ एजेन्डा मात्रै बनाइरहने र चाहिँ सबै पूर्वाधार बनिसक्दा पनि त्यो उडान गर्न नसक्नुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको चाहिँ केही आफ्नो स्वार्थ छ अथवा चाहिँ नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्न नसक्यो। यो बिचमा चाहिँ जनतालाई प्रश्न बनाउनुपर्छ र यसरी चाहिँ निर्माण भइसकेको चाहिँ संरचनालाई त्यतिकै छोड्ने भने भोलि त्यो संरचना बिग्रेर जान सक्छ। विमानस्थल के काम लॉकडाउन के कारण कुछ प्रभावित बनल रहे लेकिन अभिन विमानस्थल के धावन मार्ग संगे टैक्सी और हवाई पार्किंग करे वाला स्थान समेत पिच करे के काम सम्पन्न भइल बा। 8,40,00,000 में निर्माण के ठेका मिलल आशीष आशीर्वाद स्वामी नारायण जेबी से आसफाल्ट कंक्रीट सहित विमानस्थल के कंट्रोल टावर बनाव के जिम्मेवारी देहल गइल रहे जेमे अभिन सब काम उड़वा के जिम्मा लेहल भइला पर भी उड़ान के कोनो तैयारी नइखे देखल गइल। अब अहिलेसम्म नउड्नुमा यसको प्रमुख दोषी को यसलाई छानबिन गरेर इलामी जनताहरूले यसको उत्तर सबैले चाहनु चाहिँ अधिकारको कुरा पनि हो र अब सम्पूर्ण मान्छेले इलामका महानुभाव बुद्धिजीवी जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसको जवाबदेहता खोज्नु चाहिँ अनिवार्य देख्छु। सम्झौता मुताबिक समयमै ही काम पुरा भइरहित त बितल वैशाख महिनामै ही टेस्ट फ्लाइट गरेके नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणके लक्ष्य रहला पर भी अभी तकले उडान होखिने के सकल। उडान गर्नको लागि त हाम्रो मेन यो कालोपत्री नै हुनुपर्ने थियो होइन। यति भइसकेर हामीले यसको काम फिनिसिङ गरेपछि उडानको लागि त यो खुल्छ ओपन हुन्छ अनि टेस्ट ल्यान्डिङ हामी एउटा गर्छौँ र त्यसपछि एयरलाइन्सहरूको लागि चाहिँ उडाउनको लागि ओपन हुन्छ है। विमानस्थल से निकलल पानी उहाँकै निचिल्का बस्तीमै प्रत्यक्ष असर कैलाके बाद प्राधिकरण ड्रोन व्यवस्थापनके भी प्राथमिकता दिएके काम कैले रहे लेकिन नाला भस्कल बा। विमानस्थल से माई खोला तक लेके ही ढल व्यवस्थापन करे के खातिर 9 करोड़ के लागत में काम हो चुकल बा। विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइला के बाद इलाम पाँचथर सहित भारत के दार्जिलिंग सिक्किम लगायत के स्थानीय के समेत सहज होखी। सुकिलुम्बा के एगो बस्ती ही उठा के 328 रोपनी जमीन अधिग्रहण करके विमानस्थल निर्माण कैल गइल रहे। 2058 साल में ही प्रक्रिया शुरू कैला पर भी विमानस्थल 2068 साल में तत्कालीन प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल से शिलान्यास कैला पर भी लंबा समय तक निर्माण शुरू होके ना सकल रहे। जैसे तैसे निर्माण शुरू होके पिच सम्पन्न भइला पर भी संचालन में असमंजस देखल गइल बा। इलाम से भागीरथ भंडारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम।